हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट वर्ल्ड। फिर से आपका तहे दिल से हमारे चैनल पे स्वागत है। हम आपके लिए हमेशा ही एक रोमांचक टॉपिक लाते हैं, इसी तरह आज भी हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट वाला टॉपिक लिए आया है। जैसा कि आज का टॉपिक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आज के यानी कि पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरेबिया के की सबसे बड़ी गलती। तो भैया, ये तो बहुत ही गजब वाली बात है कि कोई एक इंसान, कोई एक सेलिब्रिटी एक कंट्री में होगा और वो नाम लेगा किसी और कंट्री का और तारीफ करेगा किसी और कंट्री की। तो ऐसे ही कुछ आज की ट्विस्ट है हम आपको सुनाने जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाल छोड़कर वो सऊदी अरेबिया के अल नसर फुटबॉल टीम की तरफ से खेलने जा रहे हैं। तो इस तौर पर सऊदी अरेबिया ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत ही जमकर उनका इस्तकबाल किया, उनका वेलकम किया, उनको बहुत ही सराहा और उनसे बहुत बड़ा एक मिलियंस में कॉन्ट्रैक्ट डील किया कि वो हमारे टीम की तरफ से खेले, हमारे क्लब की तरफ से खेले। और इसी तौर पर जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सऊदी अरेबिया के अंदर बुलाया गया, उनका स्टेडियम के अंदर लाखों की पब्लिक और मिलियंस ऑफ पब्लिक के अंदर उनका वेलकम किया गया, इसी तरह उनकी फैमिली, उनके दो लड़के और दो लड़कियां का भी बहुत जम थम कर स्वागत किया गया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने पहले ही कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरेबिया के टीम की तरफ से खेलने के बावजूद, उनका नाम लेने के बावजूद ये कहा, थैंक्स अलॉट साउथ अफ्रीका। यानी कि पहले ही कॉन्फ्रेंस में भैया ऐसा कौन करता है कि जब सऊदी अरेबिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको ये कहा गया कि आपको कैसा लग रहा है हमारी टेरिटरी और हमारे क्लब को ज्वाइन कर, हमारे क्लब को साइन कर, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये ओपिनियन था, हाँ आई कैन फील वेरी मच गुड एंड बेटर विथ जॉइनिंग द क्लब ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी कि भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये बोलने लगे कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि एक क्लब ज्वाइन करके साउथ अफ्रीका का। अरे भाई, पहले ही कॉन्फ्रेंस में कम से कम ऐसा बवाल तो ना करते। लेकिन खैर, साउथ अफ्रीका का नाम लेने के बावजूद सऊदी अरेबिया के लोगों ने उनको समझ लिया कि इंसान है आखिर, गलती तो होती ही है, और उनको एडजस्ट कर लिया और सभी लोगों ने उनकी इस गलती को एक्सेप्ट कर लिया। और इस तौर पर उनकी ये जो बड़ी मिस्टेक थी वो सभी ने ही इग्नोर कर दी, और इस तौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बहुत अपने आप को शर्मिंदा मानने लगे और फिर से उन्होंने अपनी गलती को, मिस्टेक को सुधार कर फिर ये कहा कि थैंक्स अ लॉट टू गिव एन चांस मी टू प्ले विथ सऊदी अरेबिया। तो ऐसा था आज का रोमांटिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ की पूरी दुनिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर आंखें लगाए बैठी है कि ये बंदा क्या क्या बोलेगा। एक एक वर्ड की तरफ पूरी दुनिया उसके नज़र लगा के बैठी है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही जो बड़ा ट्विस्ट लिया, वो ट्विस्ट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और रोमांचक ट्विस्ट था, क्योंकि वो पुर्तगाल को छोड़कर एक जो कि एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही एक मशहूर टीम थी जो अब तक जिससे वो खेलते आए, लेकिन वो छोड़कर अब वो सऊदी अरेबिया की तरफ से खेलेंगे, यानी कि ये पूरी दुनिया में एक बवाल मचे हुआ टॉपिक है और एक वायरल और ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो इसलिए सब दुनिया की नज़र और सारे उनके फैंस की नज़र उनके एक एक वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट की हुई है, यहाँ तक कि मैं भी खुद उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो आज का ये टॉपिक था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर। तो हमारा ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अपडेटेड और कुछ हाईलाइट और रोमांचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू सून।